दोस्तों आज हम XAUUSD यानी गोल्ड में कैसे एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज करें, क्या सेटअप आज गोल्ड में बन रहा है, प्राइस आज किस लेवल को सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ले सकती है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में समझेंगे, इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे क्या सेटअप बन रहा है। सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर। मार्केट के स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मार्केट ने एक हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन एक हायर हाई लगाया। देखिए प्रीवियस हाई को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, इसके बाद एक हायर लो, अगेन मार्केट ने एक नया हायर हाई यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट का एक अप ट्रेंड जैसा हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ध्यान से समझिएगा, प्रीवियस डे जब हमने एनालाइज किया था प्रीवियस टाइम, तो ये एक रेसिस्टेंस एरिया हमने मार्क किया था। हमने देखा ये बहुत अच्छा से एक रेसिस्टेंस एरिया है, इस लेवल को प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे से थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, रेस्ट किया है, तो इस लेवल को प्राइस रेसिस्टेंस ले सकती है। और प्रीवियस डे देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाया है, रेसिस्टेंस जो हमने मार्क किया था इसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन कर दिया है। मैं आपको यहाँ चार्ट से थोड़ा यहाँ पे जूम आउट करके दिखाना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए ये प्रीवियस टाइम जब हमने एनालाइज किया था ना दोस्तों, देखा यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को रेसिस्टेंस लिया है, रेसिस्टेंस लिया है, इसके बाद जब मार्केट ब्रेक डाउन कर रही थी थोड़ा टाइम स्पेंड किया, ब्रेक डाउन कर दिया, तब मार्केट इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी। उस टाइम पे हमारा व्यू था कि रेसिस्टेंस के आसपास प्राइस देखने को मिल सकती है, और आप देख सकते हो दोस्तों ये जो सेकंड वाला रेसिस्टेंस था, फर्स्ट रेसिस्टेंस ये वाला था हमारा, ठीक है, और सेकंड रेसिस्टेंस ये मार गया था प्रीवियस टाइम यानी प्रीवियस डे। तो वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन इसके पहले वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें बोला था कि ये रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, प्राइस यहाँ तक हमें देखने को मिल सकती है, इसके बाद मार्केट रिजेक्शन कर सकती है। और आप देखो कुछ ऐसा ही मार्केट ने यहाँ पे ट्रेड किया है। अब बात करते हैं दोस्तों, अभी मार्केट ने रिजेक्शन कर दिया है, रेसिस्टेंस से रिजेक्शन कर दिया, तो मार्केट क्या यहाँ से डाउनफॉल कर सकती है या फिर यहाँ से मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है, कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि हमने देखा मार्केट का अभी एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से हमने देखा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो माइनर सा यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ध्यान देना होगा ये भी एक रेसिस्टेंस एरिया, पर मार्केट ने रेसिस्टेंस से एक रिजेक्शन किया है, तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट जोन जिसको प्राइस अभी होल्ड कर रही है ये मार्क करना होगा। कौन सा सपोर्ट है टेरस? देखिएगा ये एक सपोर्ट एरिया जिसको प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो प्राइस ने बहुत ही अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है। कैसे रिस्पेक्ट किया है? देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन आया, ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने आया, अगेन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, होल्ड किया इस लेवल को, इसके बाद देखो बहुत अच्छा एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन आया, अभी देखो सपोर्ट पर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये प्रीवियस टाइम का बहुत अच्छा एक सपोर्ट एरिया जैसा हमें दिखाई दे रहा है। लेवल क्या है इसका? सपोर्ट लेवल है इसका 2312.868 एंड 2308.472 का ये एक सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, जिसको मार्केट ने बहुत ही अच्छे से प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लिया है, और अभी भी मार्केट इस लेवल को सपोर्ट लेने के बाद यहां से बुलिशनी शो कर रही है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना ट्रेडर्स, अगर हम एक ट्रेंड लाइन को मार्क करते हैं, अगर हम यहां पे एक ट्रेंड लाइन को मार्क करें, ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करेंगे? ट्रेंड लाइन सिंपल मार्क करेंगे, फर्स्ट सिंगलो सेकंड सिंगलों को ऐड करेंगे दोस्तों, और आगे के लिए इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे, ऐसा करके थोड़ा हम इसको एडजस्ट कर लेंगे ट्रेंड लाइन को। ओके ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन का भी एक सपोर्ट एरिया निकल के आ जाता है दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है और साथ ही साथ ये एक सपोर्ट एरिया भी है जिसको प्रीवियस टाइम मार्केट ने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो देखो मार्केट सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बुलिशनेस शो कर रही, तो हमें देखना होगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। चलिए ये तो हुआ दोस्तों 1 घंटे के टाइम फ्रेम का एनालाइज जो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है चार्ट पे, ठीक है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या सेटअप बन रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी कुछ नॉलेज मिल रहा है, वीडियो से थोड़ा भी कुछ हेल्प मिल रहा है, थोड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले ये जो सपोर्ट जोन हमने मार्क किया है, इस सपोर्ट ने मार्केट को अभी रोक के रखा है, अभी
मार्केट ने रोक के रखा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर मार्केट को डाउन साइड मूव करना है, इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है, तो देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसके बाद बुलिशनेस शो कर रहा है। यहाँ से थोड़ा मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकती है, इसके बाद मार्केट एक डाउन साइड का मूव यहाँ पे कर सकती है। अगर मार्केट को यहाँ से डाउन जाना है तो ये सपोर्ट जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करती है तो फिर यहाँ से हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन कैसे मार्केट यहाँ से ट्रेड कर सकती है, सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जा सकती है। इसके बाद मार्केट अगर देखो ये रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट रेसिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन कर सकती है। इसके बाद इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है तो फिर एक डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ से हम परफेक्ट रेसिस्टेंस कैसे मार करें कि मार्केट किस लेवल को रेसिस्टेंस लेने जा सकती है। दोस्तों हो सकता है यहाँ पे ये जो प्रीवियस टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है, देखो सपोर्ट लिया है, इसके बाद यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, तो हो सकता है मैं भी इस लेवल के आसपास मार्केट अगेन रेसिस्टेंस लेने जाए। अब बात करते हैं कि भाई ये वाला लेवल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तो हमने देखा कि मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया, इसके बाद ब्रेक डाउन के बाद रिटेस्ट, इसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिखा है। तो ये तो हुआ फर्स्ट, यहाँ पे हमने देखा कि चलो अच्छी बात है, प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, तो ये एक काफी अच्छा रेसिस्टेंस हो सकता है। लेकिन सेकंड अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो देखिए हाई टू लो, अगर हम फिबो को मार करते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों कि ये बहुत अच्छा एक फिबो का रिट्रेसमेंट लेवल भी है। कौन सा है, 0.5% का लेवल, जिसको मार्केट मैक्सिमम टाइम बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। ये देखिएगा 0.5% का जो लेवल है ये हमारे रेसिस्टेंस जोन पर ही निकल के आ रहा है। तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट को डाउनफॉल करना है तो सपोर्ट लेने के बाद 50% को रिटेस्ट मार्केट करने आ सकती है, इसके बाद प्राइस यहाँ से एक डाउन साइड का मूव दिखा सकती है। हो सकता है इस लेवल के आसपास मार्केट आए, फिर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल करे। अगर यहाँ से इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है तो फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी यहाँ से हमने देखा एक रेसिस्टेंस एरिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर प्राइस इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो फिर कहाँ तक मार्केट डाउनफॉल कर सकती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेंड लाइन का, वेव का एक सपोर्ट एरिया, जिसको मार्केट ने प्रीवियस टाइम काफी अच्छे से सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है। तो ये वाला लेवल है दोस्तों यहाँ पे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। यहाँ पे देखिएगा ऐसा करके हम इसको मार करेंगे। देखिए प्रीवियस टाइम अगर हम देखते हैं तो इस लेवल को बहुत अच्छे से रेसिस्टेंस लिया है, ब्रेकआउट, रिटेस्ट, अगेन मार्केट रिटेस्ट, सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट ने बुलिशनेस शो किया। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो सेकंड वाला जो सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखिएगा ऐसा करके ये ट्रेंड लाइन का एक वेव का सपोर्ट जोन है, जिसको मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करती है फर्स्ट वाले सपोर्ट को तो सेकंड सपोर्ट के आसपास भी देखने को मिल सकती है। लेवल है इसका 2301.899 एंड 2298.585 का, ये एक सपोर्ट जोन सपोर्ट एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके का आज हम गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूले, ताकि ऐसे ही नॉलेज पर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।